दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो खंड विकास सरकारी की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वही करंट अफेयर्स की टेंशन आप लोग बिल्कुल छोड़ दीजिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा है कि करंट अफेयर्स मैं कराऊंगा सारी की सारी, तो यहां पर आज हम लोग करंट अफेयर्स में देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण एक और टॉपिक, समारोह और सम्मेलन। देखिए अभी हम उन टॉपिकों को लेकर के चल रहे हैं जहां से प्रश्न आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो समारोह और सम्मेलनों से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा मैं यूट्यूब पर डेली रात को 9:30 बजे लाइव पढ़ाता हूं, एंड दिस इज माई रेफरल कोड VVS लाइव। अगर आप इस रेफरल कोड का यूज करते हैं तो आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे जो 7,000 रुपए की वैल्यू है जिसकी एक साल की, तो उसको आप लोग केवल 6,300 रुपए में ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा रेफरल कोड है VVS लाइव। इस रेफरल कोड को अगर आप यूज करते हैं तो आप लोग जो 7,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन है उसे मात्र आप 6,300 रुपए में ले सकते हैं। 10% डिस्काउंट आपको इस कोड के थ्रू मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप मेरी स्पेशल क्लासेस को भी ज्वाइन करते हैं जो डेली होती है अनअकैडमी पर, तो ये उनकी टाइमिंग है हिंदी की 4 बजे, हिस्ट्री की 8:10 पे, पॉलिटी की रात को 10 बजे। अगर आप इन क्लासेस को लेते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट यहां से मिल जाएगा। वो किस तरीके से, इन क्लासेस को करने पर आप लोगों को कुछ कॉइन्स दिए जाएंगे, तो अगर आप इन कॉइन्स को लगभग 20 दिन क्लासें करते हो तो आपके पास कॉइन्स पर्याप्त हो जाएंगे कि आप 10% डिस्काउंट यहां से भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप डुअल डिस्काउंट ले सकते हैं। तो चलिए फाइनली क्लास को स्टार्ट करते हैं अब, और आज का हमारा टॉपिक बताया ये मैंने आप लोगों को समारोह और सम्मेलन पे आधारित है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है ये आने के चांसेस हैं। तो वो क्वेश्चन है कि अगस्त 2019 में भारत की जनगणना वर्ष 2021 में कितनी अनुसूचियां अनुसूचित भाषाओं में की जाएगी। जनगणना जो है वो 2021 में कितनी अनुसूची भाषाओं में की जाएगी, ये है। तो देखिए यहां पे अनुसूची भाषाओं की अगर हम बात करें तो ये की जाएगी 18 भाषाओं में, ठीक है। तो ये बात याद रखें कि 2021 में जो जनगणना करी जाएगी 18 भाषाओं में की जाएगी जो अपनी अनुसूची में है। इसके अलावा अगर 2011 की बात करी जाए तो 2011 में कुल 16 भाषाओं में की गई थी, तो ये बात याद रखिए। अच्छा क्वेश्चन है, उसकी क्वालिटी देख कर कि आपको भी लगता होगा कि हाँ ये आ सकता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन को, मतलब पहला लिखा हुआ है कि भाई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दक्षिण एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण को कहां पर संबोधित किया। तो ये कहां पे किया है, ये किया है आपके नई दिल्ली में। तो वैसे तो ज्यादातर कोई भी शिखर सम्मेलन वगैरह होता है वो नई दिल्ली में ही होता है, तो आप लगभग 80% अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप नई दिल्ली लगा के आइए। अगले प्रश्न पर आते हैं कि भाई 15 से 16 नवंबर के मध्य में 5वां अंतरराष्ट्रीय योग सम्मेलन कहां पे हुआ। स्टार बना लो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 5वां योग सम्मेलन जो हुआ है ये कहां पर हुआ है, मैसूर, ठीक है। तो ये मैसूर में हुआ, मैसूर पड़ता कहां पे, कर्नाटका में मैसूर पड़ता है, ठीक है। तो इस फंक्शन की जो थीम थी, थीम अक्सर कर और पूछी जाती है, तो उसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी योगा फॉर हार्ट, ठीक है, मतलब हृदय के लिए योग। तो योगा फॉर हार्ट इसकी थीम थी, तो इसको आप याद रखिएगा थीम, ठीक है। तो हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि नवंबर 2019 में 6ठा जनजातीय संवाद सम्मेलन कहां आयोजित किया गया। जनजातीय संवाद वो भी 6ठे नंबर का, ये कहां पे किया गया था, ये किया गया है आपके जमशेदपुर में, ठीक है। अब पूछोगे कि जमशेदपुर कहां पर है, तो जमशेदपुर है आपका झारखंड में। सो झारखंड में जमशेदपुर है, तो याद रखेंगे 6ठा जनजातीय संवाद सम्मेलन जमशेदपुर झारखंड में हुआ। अगला, 10वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। 10वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का जो आयोजन किया गया मध्य प्रदेश में किया गया, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2019 में शिरोही लिली महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया। स्टार बना लो, अक्सर कर ये पूछा जाता है और ये बहुत ही फेमस महोत्सव है। तो शिरोही लिली जो है ये आपके मणिपुर राज्य का है, ठीक है, मणिपुर राज्य में ही मनाया गया था। नेक्स्ट भाई, संयुक्त राष्ट्र समझौते के विभिन्न पक्षों के सम्मेलन का 14वां COP14 कहां पर आयोजित किया गया, COP14, ठीक है। तो देखिए COP14 की अगर हम बात करें तो मैंने वैसे ही बोला कि ज्यादातर नई दिल्ली होता है, तो यहां पे क्या हो जाए, COP14
का जो सम्मेलन हुआ ये कहां पर हुआ आपका, नई दिल्ली में हुआ, ठीक है। तो इस सम्मेलन में लगभग 196 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो ये बात आप याद रखें। तो हम अगले प्रश्न पे आते हैं, स्टार बना लो, ये भी अच्छा है कि भाई क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर 29वीं बेसिक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहां किया गया। तो देखिए इसका आयोजन जो किया गया ये चाइना में किया गया, कहां पे, ये चाइना में किया गया है। तो बेसिक की फुल फॉर्म भी याद रखनी चाहिए आप लोगों को। देखो इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है ब्राजील साउथ अफ्रीका और भारत, ठीक है, ब्राजील साउथ अफ्रीका भारत चाइना और, ठीक है, तो ये चार हैं। कौन कौन से, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, आई से इंडिया है और सी से चाइना है, तो ये याद रखेंगे नाम आप। तो अगले प्रश्न पे हम आते हैं, अगला है हमारा कि 14वें विश्व शिखर सम्मेलन 2019 में सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार किसने जीता। देखिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार की अगर हम बात करें तो यह जीता है राजस्थान ने। इस बात को याद रखिए कि 14वां विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार ये किसने जीता, यह आपके राजस्थान ने जीता। अगला, इस पे तो स्टार बना लो, अक्सर अगर पूछा जाता है कि G7 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ और यह कौन से नंबर का था। देखो क्वेश्चन ऐसे आता है कि कहां पर आयोजित हुआ, तो आपको वो लोकेशन बतानी होती है कि यहां पे इवेंट हुआ है, इसके अलावा आपको ये बताना होता है कौन से नंबर का। तो फाइनली ये तो हुआ था आपके फ्रांस में और ये 45वां नंबर का था, ठीक है। इसकी थीम भी याद रखो, थीम और पूछी जाती है, इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी असमानता का मुकाबला करना, तो इसको भी याद रखें, असमानता का मुकाबला करना इसका थीम है। अब बहुत सारे लोगों को यह भी डाउट होगा कि G7 में कौन कौन से देश हैं, तो देखो यह आपका फ्रांस है, यह आपका इटली भी है इसमें, आपका कनाडा भी है, आपका अमेरिका भी है, आपका जापान भी है और जर्मनी, ठीक है, कितने हो गए, 6 हो गए, और यूनाइटेड किंगडम UK। तो कुल मिलाकर के ये 7 देश हैं, अगर ये भी पूछ लिया जाए तो आप बता पाओगे। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं कि मीडिया की स्वतंत्रता के लिए जुलाई 2019 में वैश्विक सम्मेलन कहां किया गया। मतलब मीडिया बिल्कुल फ्री तरीके से काम करे, किसी के दबाव में ना आए, तो इसके लिए एक फंक्शन आयोजन किया गया, वो आपका लंदन में हुआ था, तो इसको याद रखें। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग कि G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्र बैंक के गवर्नरों की बैठक कहां पर हुई। तो भाई स्टार बना लो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये कहां पर हुई, ये आपकी हुई फुकुओका। सो बहुत सारे लोगों को लगा भाई फुकुओका ये है कहां पे। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो ये कहां पे है आपका, ये आपका जापान में है, कहां पर, ये जापान में फुकुओका, तो याद रखें। अगला प्रश्न कि जून 2019 में 16वें एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया। देखिए यहां पे हम बात करेंगे तो यहां हो जाएगा आपका कंबोडिया, ये वाला अलग है, ये एशिया का मीडिया शिखर सम्मेलन है, और ये वाला मैंने बताया आपको ये क्या है कि मीडिया स्वतंत्र रूप से कार्य कैसे करे, इसके लिए किया गया था, ये लंदन में किया गया था, तो ये याद रखें, ये कंबोडिया में होगा। अगला, ई गवर्नमेंट सर्विसेज ने केंद्र सरकार के किस अभियान को बढ़ावा देने के लिए IIT कानपुर के साथ में समझौता किया है। मतलब ई गवर्नमेंट सर्विसेज ने केंद्र सरकार के किस अभियान को बढ़ावा देने के लिए IIT कानपुर के साथ समझौता किया, तो भाई ये कौन सी IIT है। देखिए यहां पे जो IIT के साथ में समझौता किया गया है, ये कौन सी IIT आपकी, तो अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छी तरीके से याद रखें। तो यहां पे जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उन्नत भारत अभियान के लिए, ठीक है, और IIT कानपुर के साथ में किया था। अगला, G20 का शिखर सम्मेलन कहां हुआ था, G20 शिखर सम्मेलन कहां हुआ, तो भाई इस पर भी स्टार बना लो, जी शिखर सम्मेलन हुआ 20 वाला ओशाका में, ठीक है, ओशाका में हुआ था, तो ये बात याद रखें। और ये कौन से नंबर का था, ये 14th नंबर का आपका शिखर सम्मेलन था, G20 शिखर सम्मेलन ओशाका में हुआ था और ये 14वें नंबर का शिखर सम्मेलन था। इस वाले फंक्शन में अपने प्रधानमंत्री ने भी जो है वो पार्टिसिपेट किया था, नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। तो अगला देखते हैं हम, अगला है भाई कि G7 पर्यावरण बैठक आयोजित हुई थी।
G7 की पर्यावरण बैठक कहां पर हुई? ये हुई है आपके फ्रांस में, ठीक है, ये फ्रांस में हुई है, तो ये बात आप याद रखें। और ये बैठक मेनली जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित थी, जो जलवायु में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं आज दिन, उससे रिलेटेड थी। अगला प्रश्न हमारा ये है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है कि भाई विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO का की निर्णय लेने वाली संस्था विश्व स्वास्थ्य सभा की 72वें सत्र की बैठक कहां पे हुई? तो कहां पे हुई है? ये हुई है आपके जनेवा में, ठीक है, तो इसको याद रखो। WHO का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, एसोसिएशन नहीं है, असेंबली नाम है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ये नाम है, तो ये बात याद रखें। अगला हमारा है कि होम एक्सपो इंडिया 2019 का आयोजन किस शहर में हुआ? देखिए होम एक्सपो इंडिया 2019 का जो आपका हुआ है ये कहां पे हुआ है? तो ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, ये हुआ है आपके ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, तो इसमें लगभग 500 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था, तो ये हुआ है आपके ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट, 29वें अबू धाबी अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया? तो गेस्ट ऑफ ऑनर जो घोषित किया गया ये किसको किया गया? ये किया गया आपके भारत को, ठीक है, भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर जो है वो घोषित किया गया, तो ये बात आप याद रखें। हम अगले प्रश्न पे आते हैं कि लंदन में आयोजित पुस्तक मेला, ठीक है, लंदन में आयोजित लंदन पुस्तक मेला का भारतीय मंडप पर केंद्रित था, मतलब ये किस भारतीय मंडप पर केंद्रित था आपको बताना है, तो ये अच्छा प्रश्न है। तो देखिए ये जो पुस्तक मेला था ये महात्मा गांधी की थीम पे आधारित था, तो इसको याद रखें, ठीक है, तो इतना ही याद कर लो बस। नेक्स्ट है कि प्रथम वृक्ष शेरपा बैठक कहां पे हुई? वृक्ष की शेरपा बैठक, तो देखो ये कहां पे हुई है वृक्ष शेरपा बैठक आपकी? सो वृक्ष शेरपा बैठक जो आपकी हुई है ये हुई है आपकी ब्राजील में, ब्राजील में भी कहां पे? ये है आपका कुरतिरवा, ठीक है, तो याद रखेंगे, तो कुरतिरवा में हुई है और पहली बैठक थी, तो मतलब प्रथम वृक्ष शेरपा बैठक ये पहला था, पहली वृक्ष की मीटिंग थी शेरपा की, तो याद रखें। अगला, चौथा अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया? मसाला जो सम्मेलन था आपको बताना ये कहां पे किया गया, ये 4वें नंबर का था, तो चौथा मसाला सम्मेलन जो है वो कहां पे हुआ है? सो क्या लगता है, तमाम ऑप्शन है आपके, तो ये कहां पे हुआ है मसाला सम्मेलन ये बताना है। तो देखिए यहां पे जो आंसर होगा आप लोगों का, चौथा मसाला सम्मेलन जो हुआ है ये कहां पे हुआ है? ये हुआ है आपके हैदराबाद में, तो इस बात को याद रखना, ये हैदराबाद में हुआ है मसाला सम्मेलन। और इसका जो थीम था वो क्या था? इसका थीम था चैलेंजेस ऑफ चेंज रीडिफाइनिंग द वैल्यू चेन, ये इसकी थीम थी, तो ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है कि भाई 106वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो जनवरी में 2019 में किया गया था ये मतलब कहां पे किया गया? तो इसका 107वां ये जो किया गया था पंजाब में किया गया था, तो इस साल वाला जो है वो कहां पर हुआ? तो भाई इस साल का जो हुआ गया है, हुआ है आपका स्टार मान लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कहां पे हुआ है इस बार? ये हुआ बेंगलुरु में, ठीक है, तो ये बेंगलुरु में होगा, मतलब हो चुका है ये 3 से 7 जनवरी 2020 को बेंगलुरु में हुआ था, और ये 107th नंबर का था, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। तो अगला हमारा प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय परिवहन समझौता उत्तर प्रदेश सरकार और किन सरकार के बीच हस्ताक्षरित किया गया है? तो ये किया गया है आपके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक है, एंड यूपी के साथ में। किस देश में ग्लोबल स्किल समिट 2019 का आयोजन किया गया? देखिए ग्लोबल स्किल सम्मेलन जो है ये कहां पे हुआ? ये आपके रांची में हुआ है, तो ये बात याद रखें, ठीक है। तो ये थे हमारे बहुत सारे महत्वपूर्ण जो भी हैं आपके शिखर सम्मेलन वगैरह, तो यहां से प्रश्न आता ही आता है, तो अगर आप लोग इनको रट लेते हो तो मान के चलिए कि 2 नंबर तो आप लोगों के पक्के हैं, तो यहां से 100% सवाल आता ही आता है। इसके अलावा
आप लोग अगर और भी अच्छी तैयारी करना चाहते हो, वीईओ की बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं हमारे, तो आप डिले मत करिए क्योंकि 22 मार्च को इसका एग्जाम होना है। तो इसी तरीके की और भी ज्यादा फैकल्टीज से पढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि रेफरल कोड का यूज करके प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी बीईओ में एक सीट पक्की कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कैसी वीडियो लग रही है। अगर आपको वीडियो पसंद हो रही है तो अगले पार्ट हम लेकर के आएंगे, अदरवाइज थोड़े देर में आएगा पार्ट, ठीक है। तो प्लीज अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि हम आपकी राय को जान पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।